नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। आज हम लोग नाइन्थ पार्ट देखेंगे यूपी जीके का, यानी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की जो सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है उसमें आज हम नवा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित और उसकी जो है क्या तथ्य है उससे रिलेटेड हैं, इसको जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है यूपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं विशेषकर यूपी ट्रिपल एससी में 4 क्वेश्चन का औसत है जो यूपी जीके से पूछा जाता है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आपने सीरीज को नहीं देखा है, तो पुराने जितने भी सीरीज के वीडियो हैं 8, उसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको जो है यूपी का पूरा जीके तैयार हो जाए। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है 10वें पार्ट के साथ, यानी जब हम 500 क्वेश्चन की अपनी सीरीज को पूरा कर लेंगे, 10वें पार्ट के बाद आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में भी, फेसबुक पर भी, हर जगह उसकी सूचना दे दी जाएगी। इसलिए आप जो है हमारे सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ हम उपलब्ध कराते हैं। तो आज इस नवे पार्ट को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो बघेली बोली जो है ये प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ 4-5 जिले ही हैं जहां पर बघेली जो है अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और ये प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं चावल की खेती से संबंधित है, यानी धान की खेती से संबंधित पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित एक स्थान है। खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो खेल के जो सामान है उसका पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब है मेरठ। मेरठ से जो है पूरे दुनिया में जो है निर्यात भी किया जाता है इसको। बिखरी जनजाति विकास परियोजना ये कहाँ पर स्थापित है? तो बिखरी जाति विकास परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थापित की गई है। देश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो देश का पहला महिला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये केंद्रीय संस्थान है जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये कहाँ पर स्थापित है? ये लखनऊ में अमौसी के पास में ये इंस्टीट्यूट है। राजा टोडरमल का जन्म स्थल कौन सा है? तो राजा टोडरमल का जन्म स्थल लहरपुर नामक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में आता है। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में, या प्रयागराज जो वर्तमान का है उसमें नैनी नामक स्थान पर सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी स्थापित है, और 2016 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय जो है डिक्लेयर किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कामगारों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो प्रदेश में जो कुल कामगार जनसंख्या है वो 32.9% है, यानी 32.9% हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वे लोग हैं जो किसी न किसी रोजगार से एक्टिवली जुड़े हुए हैं। अब 100 में से अगर इसको हम माइनस कर दें तो 67.1% 67.1% ऐसे लोग हैं जिनको हम आश्रित जनसंख्या कह सकते हैं। वो स्वयं कोई भी धनोपार्जन नहीं करते हैं, किसी भी रोजगार में इन्वॉल्व नहीं है और वे आश्रित हैं। बुंदेलखंड विकास निगम जो कि 2008 में स्थापित हुआ था, तो ईयर भी पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास निगम 2008 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय झांसी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न,
प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसको हम पिकअप कहते हैं, आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो हेड ऑफिस है आयोग का, वो भी पिकअप बिल्डिंग में है लखनऊ की। तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें पिकअप का, तो प्रोविंशियल इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी, ये इसका फुल फॉर्म है, जो लखनऊ के गोमती नगर में ये पिकअप जो है स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य निवेश मित्र योजना, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में राज्य निवेश मित्र योजना का शुभारंभ जुलाई 2009 में किया गया था। लखनऊ को भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था, तो लखनऊ को जो है जैव प्रौद्योगिकी नगर के रूप में 2002 में जो है घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, जिसका नंबर क्या है, 1090, जो पिछली समाजवादी सरकार के समय में तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव जी द्वारा शुरू की गई थी, तो 1090 का संचालन कब प्रारंभ हुआ था, 15 नवंबर 2012 को। चेरो जनजाति कहां पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में, तो ये जो चेरो जनजाति है ये सोनभद्र और चंदौली के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। दीपावली को शोक के पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो सबसे पुराना म्यूजियम जो उत्तर प्रदेश में है वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जिसकी स्थापना 1863 में यानी 1863 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जा चुका है। प्रदेश का कौन सा जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है, यानी वहाँ पर जो भूमिगत जल है उसको सबसे ज़्यादा दोहन जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है, आगरा जिले में। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है और उसके अगेंस्ट पानी की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। दरवन झील कहाँ पर स्थित है, तो दरवन झील काफ़ी फेमस जो है ये अंबेडकर नगर में, जो फैजाबाद के निकट अंबेडकर नगर है वहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी होती क्या है, तो जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी के नाम से जो है इसको जानते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो कहलाती है टर्सरी मिट्टी, तो ये टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पाई जाती है, टर्सरी मिट्टी जो है शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के हैं पठारी, वहाँ पर पाई जाती है। अधिकतम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर होल, यहाँ पर प्रसन्नता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शिशु जनसंख्या एज ए होल की बात हो रही है, तो अधिकतम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला महोबा है, महोबा में सबसे कम जो है शिशु जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी। उत्तर प्रदेश में नगरीय महिला साक्षरता दर कितनी है, यानी नगरों में जो महिलाएं हैं उनमें साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार 60.96% है। और वहीं पर अगर हम ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये जो है काफ़ी फर्क दिखाता है, लगभग 12% की कमी आ जाती है, 48.48% है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 15.5% जो है शिशु जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत विकलांग जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसमें जो विकलांग हैं उसका 15.5% जो है यूपी में विकलांग जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज को
कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय जो है स्थापित है काफी पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी का किसे कहा जाता है? तो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी हो गई। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च पहाड़ी जो है वो सोनाकर पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रमुख की निर्यातक किस्में कौन सी हैं? तो अमरूद का जो निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जाता है वो प्रमुख किस्में हैं ललित सुरखा, लखनऊ 49, इसको सरदार भी कहते हैं। ये आम की जो है बहुत ही टॉप वैरायटीज हैं जो यहाँ से निर्यात की जाती हैं। प्रदेश में निर्धारित अधिकतम जोत सीमा क्या है? तो ये जो सीलिंग एक्ट 1960 वाला था उसके अकॉर्डिंग प्रदेश में अधिकतम जोत का आकार 18 एकड़ हो सकता है, इससे ऊपर जो है एक जोत का आकार नहीं हो सकता है। रोहिणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो रोहिणी नदी उत्तर प्रदेश की एक नदी है जो राप्ती नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अंदर से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो कई सारी इंडिजीनस रिवर्स जो है उत्तर प्रदेश में ही, जो उत्तर प्रदेश में ही कहीं ना कहीं से, चाहे वो किसी दलदल से निकल रही हो चाहे किसी झील से निकल रही हो, तो उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं, जिसमें से गोमती जैसे फुलर झील से निकलती है, पीलीभीत से, पांडो, सई, ईसन और करुणा, ये सब ऐसी नदियाँ हैं। शायद इनका आपने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा लेकिन ये उत्तर प्रदेश की इंडिजीनस नदियाँ हैं। मोती झील एवं गौर झील ये कहाँ पर स्थित है? मोती झील और गौर झील जो है रामपुर जिले में है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। जब इस तरह का प्रश्न होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भौगोलिक जो एग्जैक्ट सीमा होती है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है चंबल नदी। मदनसार झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एक फेमस झील है जो कि महोबा में है। मदनसार झील महोबा में स्थित है। बुंदेलखंड के लोकगीत कई बार जो है पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत हैं? फाग, आल्हा, दादरी, गारी, लमतेरा, कहरवा, सोहर, ये सभी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अगला प्रश्न, गणगौर ऊट मेला, बहुत ही फेमस ऊट मेला है ये, और कैलाश मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये दोनों ही फेमस मेले हैं जो कि आगरा में लगते हैं। अगरकर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? अगरकर म्यूजियम प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ चित्रकला शैली या वास टेम्पो शैली, ये इसी का नाम है, लखनऊ चित्रकला शैली को ही वास टेम्पो शैली भी कहा जाता है, इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे असित कुमार हल्दार, ये लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी एवं कृष्णा देवी, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, आर्ट एंड कल्चर में जो है बहुत फेमस जो है ठुमरी गायिकाएं हैं, ये किस घराने से संबंधित हैं? ये तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस घराना है उससे संबंधित ये हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो हिंदी जो मूल भाषा है उसकी कई उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं की कई बोलियां होती हैं, तो हिंदी जो पूर्वी हिंदी है उसकी जो है बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है प्रमुख बोलियां हैं। बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज के मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो जैसा बताया मैंने कि बघेली बोली उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है, तो यही वो क्षेत्र है बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज के मध्य प्रदेश से लगी हुई जो सीमा है, मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा है, उस सीमावर्ती क्षेत्र में जो है बघेली बोली बोली जाती है जो कि बहुत सीमित क्षेत्र में। गढ़वा कहाँ पर स्थित है? जहाँ से कुमार गुप्त के दो शिलालेख तथा स्कंद गुप्त का एक लेख मिलता है। तो गढ़वा एक प्राचीन स्थल है जिसको आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, तो गढ़वा शिलालेख जहाँ से स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के जो है लेख मिलते हैं, ये जो है प्रसिद्ध स्थल झांसी में स्थित है।
कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन कब हुआ था? आसान है, आपने पढ़ा होगा, 1888 में इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, यूरोपियन थे। स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने से बाद पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 1947 और कांग्रेस की स्थापना देखें 1885, तो 1885 से 1947 के मध्य जो है कुल 9 अधिवेशन कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और जिनकी पूछे जाने की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में, उसको आज देखा। नेक्स्ट पार्ट जो अंतिम पार्ट होगा, फिलहाल जो है पहले चरण में, उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद आपको पूरी सीरीज की PDF एक साथ दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।